नमस्कार साथियों, मेरे चैनल सीजी फैक्ट बी में आपका स्वागत है। जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में, जिनका विजयी सफर अब तक के कैसा रहा। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाने वाले हरियाणा के नीरज चोपड़ा फिर विश्व फलक पर छाए हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। चलिए जानते हैं उनके विजयी सफर के बारे में। नंबर एक, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप पोलैंड जूनियर चैंपियनशिप 2016, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 86.48 मीटर जेवलिन फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था। दूसरा पदक एशियन एथलेटिक्स 2017 भुवनेश्वर भारत, 85.63 मीटर भाला फेंककर इसमें गोल्ड हासिल किया था। तीसरा, एशियन गेम्स जकार्ता 2018, इसमें 88.06 मीटर भाला फेंककर इसमें भी गोल्ड हासिल किया था। नंबर चार, ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट 2020 ओरेगान नंबर एक का पोजीशन लाते हुए उन्होंने 87.86 मीटर भाला फेंका। पांचवें नंबर के पदक को आप सभी जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसमें 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत के लिए ऐतिहासिक गोल्ड मेडल हासिल किया था। छठवां पदक इंडियन ग्रांपी में 88.09 मीटर फेंककर गोल्ड हासिल किया था। यहाँ इवेंट 2021 में हुआ था। अगला इवेंट डायमंड लीग स्टॉकहोम 2022, इसमें नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर भाला फेंककर सिल्वर हासिल किया था। इंटरनेशनल लेवल पर यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पदकों की सूची में अब तक के आखिरी लीग वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 यूजीन ओरेगान, इसमें 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल हासिल किया। इस लीग में खराब शुरुआत करते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको एक और जानकारी देते हैं, 39 साल के इतिहास में भारत को पहला सिल्वर मेडल एवं 19 साल बाद दूसरा मेडल भारत को दिलाया। इंडिया के लिए यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अगले वीडियो में उनके जीवन परिचय तथा उनके कामयाबी की झलक आपको बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने जिंदगी में बदलाव कर भारत के स्टार खिलाड़ी बने। तब तक ये वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।